नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। एक अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। भोपाल से खबर, जहां सीएम से मिले केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत। मंत्रालय में हुई सीएम और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, सामाजिक न्याय विभाग के मुद्दे पर हुई चर्चा। सामाजिक न्याय विभाग के मुद्दे पर चर्चा की गई। बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत। मंत्रालय में हुई सीएम और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत। मंत्रालय में हुई सीएम और केंद्रीय मंत्री की मुलाकात। सामाजिक न्याय विभाग के मुद्दे पर हुई चर्चा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत। ये तस्वीरें आपके सामने। भोपाल से खबर, मंत्रालय में सीएम और केंद्रीय मंत्री की मुलाकात हुई, सामाजिक न्याय विभाग के मुद्दे पर चर्चा हुई। सामाजिक न्याय विभाग के ऊपर चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत के बीच, सीएम से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत। मंत्रालय में हुई सीएम और केंद्रीय मंत्री की मुलाकात, सामाजिक न्याय विभाग के मुद्दे पर यह चर्चा हुई। सामाजिक न्याय विभाग के मुद्दे पर चर्चा हुई है। मंत्रालय में हुई सीएम और केंद्रीय मंत्री की मुलाकात। अहम खबर भोपाल से, भोपाल से अहम खबर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां थावर चंद गहलोत केंद्रीय मंत्री मिलने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान से। मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की मुलाकात हुई। आपको बता दें, दोनों की मुलाकात के बीच अहम मुद्दा और इसी बीच एक अहम खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। 514 एक्टिव केस बचे हैं, यानी कि 98.8% हुई रिकवरी रेट। नेमावर केस में सीबीआई जांच की मांग पर बोले, पहले कांग्रेस तय करे सीबीआई पे भरोसा है या नहीं। घर बैठे ट्वीट करते रहते हैं कांग्रेस के सभी नेता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हॉक फोर्स के साथ सभी सुविधाएं देंगे। बढ़ती महंगाई पर विचार कर रही है प्रदेश सरकार। सज्जन वर्मा पर एफआईआर को लेकर बोले, मापदंड को दरकिनार कर उद्घाटन, उतावलापन क्यों। आज प्रदेश के अंदर कोरोना के 43 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर 54 लोग गए हैं। मध्य प्रदेश में अब 514 एक्टिव केस ही बचे हैं। कल मध्य प्रदेश के अंदर 74,340 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। संक्रमण दर 0.05% रह गई है, जबकि रिकवरी की दर 98.8% आंकी गई है। कि सीबीआई पे उन्हें भरोसा है कि नहीं, निकल को कोई रिपोर्ट आएगी तो कहते हैं कि सीबीआई तो राजनीतिक हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के हिसाब से काम कर रही है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं। अभी तक इनने बाकी के प्रकरणों में भी ऐसे ही कहा था, पहले वो स्पष्ट दोबारा से बता दें। घर बैठ के ट्वीट करना, घटना स्थल पे न जाना, वैक्सीन पे ट्वीट करना, एक भी वैक्सीन केंद्र पे नहीं जाना, अस्पतालों पर ट्वीट करना, किसी अस्पताल में नहीं जाना, खाद्यान्न वितरण पर ट्वीट करना और खाद्यान्न वितरण में नहीं जाना। अजीब सा राजनीतिक केंद्र चल रहा है ये कांग्रेस के अंदर, अजीब सी राजनीतिक सरगर्मी। सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं, इतनी भी ज्यादा फुर्सत नहीं होनी चाहिए जितनी इनको है। जब भी हॉक्स फोर्स मांगे या कुछ भी मांगेंगे, सारी प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी गतिविधि को
जो समाज विरोधी है, चाहे नक्सल गतिविधि हो, चाहे माफिया की गतिविधि हो, ये शिवराज सरकार कानून की सरकार है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम।